हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बेबी प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने एक सूट सिला था, उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से ही हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये दो पीस हैं, इन्हें एक बार और फोल्ड कर लेते हैं तो ये फोर लेयर हो गया। और मैं इसे नाप कर दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसकी लेंथ है 22 इंच, 22 इंच, और चौड़ाई भी इसकी 22 इंच है। जितना ये कपड़ा बचा था मैंने ये सारा ले लिया है। और हमें प्लाजो की लेंथ चाहिएगी 19। ऊपर हम लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। हम ऊपर भी इलास्टिक डालेंगे और नीचे बाजुओं में भी इलास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए भी 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। क्योंकि अगर हम प्लाजो की चौड़ाई नीचे से ज़्यादा रखेंगे तो बच्चे के गिरने का डर रहेगा, तो हम इलास्टिक डालेंगे। और चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं बनाकर, वो भी अच्छी लगती है। प्लाजो की लेंथ हमें 19 चाहिए तो 19 ही हमारा कपड़ा बचेगा। अब ऊपर से निशान लगा लेते हैं। इधर से लेंगे हम 8 इंच और इधर से भी 8 इंच, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिखाई दे। और अब आसन के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ से हम निशान लगाते हैं, हिप साइज को डिवाइड करेंगे 4 से, उसमें प्लस 1.5 इंच, इधर गोलाई दे देंगे। नीचे से हम लास्टिक डालेंगे, चाहे तो हम 8 इंच भी ले सकते हैं, मैं इधर से 7.5 इंच ले रही हूँ, और इस निशान को गोलाई देते हुए इधर मिला देंगे। इधर हम गोलाई वाली फट्टी आती है उससे भी निशान लगा सकते हैं। और इसी तरह हम बड़े प्लाजो की भी कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इधर से भी सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड से भी, दोनों साइड से हम इसे सील देते हैं। डेढ़ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इधर भी सिलाई के लिए। अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इधर लगा देंगे। तो दोनों बाजू मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद सील दिए हैं। अब हमें इलास्टिक डालनी है इसमें, तो एक सिलाई हम और लगाएंगे इसके बीचों बीच। मैं इंच टेप से नाप कर दिखाती हूँ कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है सिलने के बाद में, और एक निशान लगा लेंगे जिस पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों बाजुओं पर हमें एक एक सिलाई और लगानी है जहां हम इलास्टिक डालेंगे। इधर हम इलास्टिक डालेंगे ऊपर वाले पार्ट में, तो इस तरह से सील दिए दोनों बाजू नीचे से। और ऊपर हम ये चौड़ी वाली इलास्टिक डालेंगे, ये 1 इंच चौड़ी है, और नाप कर हम ले सकते हैं बच्चे की कमर से, जितना उसे कंफर्टेबल लगे। वैसे नाप लें तो हम 5 इंच कम लेते हैं कमर के साइज से। ये पतली वाली इलास्टिक है, इसे हम नीचे बाजुओं में डालेंगे।
तो इस तरह से ये डाल दिए मैंने ऊपर वाले पार्ट में, और जो नीचे वाला पार्ट रह जाता है सिलाई का उसमें प्लेट्स डल जाती हैं। और ये प्लाजो सिलने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, इसे हम बड़े के लिए भी सिल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ उल्टा करने के बाद में, इस तरह से ये प्लेट्स दिखेंगी नीचे की साइड। अब इसे साइड से सील लेते हैं, इधर से डबल सिलाई लगा देते हैं जिससे कि सिलाई जल्दी नहीं निकले। इसी तरह से हम ऊपर लास्टिक डालेंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे कपड़ा और एक सिलाई लगा देंगे, और इसके अंदर हम जो चौड़ी वाली लास्टिक है वो डाल देंगे। इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेते हैं और लास्टिक को हम बीच में से सीलने के बाद डालेंगे। ये 1 इंच चौड़ी लास्टिक है क्योंकि हमने 1.5 इंच लिया था, 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा बचेगा तो उसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो इधर हम लास्टिक डाल लेंगे और ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बड़े साइज की प्लाजो की कटिंग भी इस तरह से कर सकते हैं।